यहाँ जहाँ दुष्टों की आत्मा को पेटा के गठों में प्रताड़ित किया जाता है, वह शापितों का विलाप और पीड़ा दुनिया की गहराई के भीतर में गूंजती है।
क्रेटोस ने उसके सामने पुराने शासकों और शक्तिशाली टाइटंस के अवशेष देखे। देवताओं द्वारा पराजित और टेटा से गठों से मुक्त होकर उन्होंने अपनी अन्यायपूर्ण तपस्या का सामना किया और उनकी पीड़ा के लिए यह अच्छी तरीके से पता था कि ये अमर प्राणी ओलंपियन के रोष से धुना करते थे।
जूस के हाथों टाइटंस को 1000 साल के लिए उनकी पीड़ा से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब वे जंजीरें जो कभी टाइटंस एटलस को पकड़ती थी वो टूट गई, और केवल एक प्रश्न ने क्रेटोस को विचारों को चकनाचूर कर दिया। ऐसी बुराई को कौन छोड़ेगा? Thank you.
फिर से। टेटर्स की दीवार में एटलस नहीं होगा और वो मुझे भी नहीं पकड़ेगा। देवताओं ने स्पष्ट रूप से अपने दास पर दया की है। आप मुझे कम आंकते हैं चारों, इस बार मैं दयालु नहीं होऊंगा। Yeah.
चार अंक हराने के बाद क्रेटोस पाथर में और अपने लक्ष्य से और करीब पहुंच गया। हेलियोस की तेज रोशनी ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। लेकिन किनारे पर कुछ ने उनका ध्यान खींचा और क्रेटोस के लिए यह स्पष्ट लग रहा था। अपनी बेटी को देखकर क्रेटोस ने महसूस किया कि वो जो कुछ चाहता था वो सब उसके पोत से भीतर था। देवताओं के सेवा के वर्षों ने उन्हें उनके दर्द से मुक्ति नहीं दिलाई, कभी उसके अतीत के बोझ को कम नहीं किया और अब कैलियोप मिल गई थी।